हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास डेस्क। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डीकोडिंग। मैं बोलूंगा कोडिंग और डीकोडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, एंड एट द सेम टाइम इस टॉपिक का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो काफी ज्यादा हाई है। अब इसका क्या मतलब होता है? ये कोडिंग एंड डीकोडिंग एक ऐसी टॉपिक है जिसमें कंसेप्ट जो होती है वो बहुत ही इजी होता है, एंड इसमें जो आपका जनरल लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो आपका इजी टू मॉडरेट ही होता है। इसमें जनरली आपका बहुत डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी अराउंड 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कोडिंग डीकोडिंग से रिलेटेड। कभी कभी आपको एक मेजर क्वेश्चन दे देते हैं जिसके फॉलो अप में 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, सो यू आर लकी इनफ उसमें जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, टाइम भी बहुत कम लगता है, एंड एट द सेम टाइम इसका जो आपका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आवर्स भी काफी कम होता है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ चैप्टर को उठा लें, जैसे कि सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, या फिर अगर हम लोग लीनियर अरेंजमेंट को उठा लें, ठीक है, या फिर अपन हम लोग इनपुट आउटपुट को उठा लें, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स जिनमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस का लेवल ज्यादा रखना होता है। अगर आप प्रैक्टिस इसमें ज्यादा नहीं करते हो ना, तो फिर आपका शायद एग्जामिनेशन में मिस आउट हो सकते हैं चीजें, बिकॉज प्रैक्टिस के साथ ही इनके ऊपर कमांड अच्छा हो सकता है। बट इसमें बस कंसेप्चुअल कमांड अगर आपका अच्छा हुआ, और कंसेप्ट में कुछ कुछ चीजें आपको बस रिमेम्बर करनी होती है जो मैं आपको बता दूंगा अभी, वो सारे चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको जनरली कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस मच बिफोर द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, फिर अगर आप मान के चलो 60-70 क्वेश्चन इसके डिफरेंट टाइप्स के सॉल्व कर लेते हो एक बार, तो फिर आपका अच्छा खासा कमांड बन जाएगा। सो दिस इज व्हाई आई कॉल दिस चैप्टर चैप्टर ऑफ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, बट एग्जामिनेशन में जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने सबसे पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे और क्या क्या चीज रिमेंबर करना है और कैसे रिमेंबर करना है वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमारी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के ऊपर आ जाएगी और हमें समझ में आएगा कि कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द वीडियो, मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, और वो ये है कि क्लास टेस्ट ने आपके लिए ऑलरेडी एक फुल फ्लेज कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो कि आपकी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इस कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं ए टू जेड कवर्ड अप है, विद टोटल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, अप्रोच का एक्सप्लेनेशन, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी यहाँ पे समझाया गया है इस कोर्स में, जिसके साथ एग्जामिनेशन में आप जल्द से जल्द टाइम स्ट्रिंजेंट मैनर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। Not only that, हम लोग ये courses different format में रखे हैं, different forms में available किए हैं, जिसमें आपका जो priority है उस चीज के ऊपर आप course में opt कर सकते हो। और इन सारे courses में different levels of questions starting from basic level to advanced level step by step discuss किया गया है, जिसके साथ आपका जो total understanding है, जिसके साथ आपको examinations में बैठना है, वो बहुत ज्यादा strong हो जाएगा। ये जो कोर्सेस है इसका मेन बाइफर्केशन अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज, जनरल और डोमेन के जो भी सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से बाइफर्केट किया गया है, जिसमें आप इंडिविजुअली भी ऑप्ट कर सकते हो और कॉम्बो कोर्सेस भी ले सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर डेमो क्लासेस की नीड है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है उस पर जा सकते हो, और अगर आपको बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना इंक्वायरी डाल सकते हो। नाउ Let us move on forward with the video. तो as discussed, सबसे पहले हम लोग concept को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे concept wise क्या आपको ध्यान रखना है? तो सबसे important जो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है alphabets and their numbers, ठीक है? तो यहाँ पे आपको mainly जो चीज़ याद रखनी है वो है आपको alphabets जो भी सारे है हमारे, उन सबका numbers याद रखनी चाहिए rank wise। तो जैसे कि हम लोगों को पता है ए बी सी डी ई एफ है ना, फिर जी एच, फिर आई, फिर जे, फिर यू नो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, राइट। ये जो सारे चीज है इनका एक एक का नंबर आपको आनी चाहिए। जैसे ए का नंबर 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, राइट, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो यहाँ पे जो भी अल्फाबेट्स है उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो नंबर्स है वो आपको याद रखनी पड़ेगी इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। यही मेन चीज होती है जो कोडिंग एंड डिकोडिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट। तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे ये चीज अगर आप याद कर लेते हो कि हर एक अल्फाबेट्स किस तरीके से कोरेस्पॉन्डिंग वे में एडेड है दूसरे नंबर्स के साथ, वो सारे चीज याद रखने में आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए नंबर्स फिक्स कि अगर आपको पी दिखता है तो पी के साथ 16 भी आपका नंबर डिस्प्ले हो जाना चाहिए ब्रेन पे। तो यू शुड बी दैट मच रेडी विद द नंबर्स। नाउ मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। वैसे अपने कोर्सेज में बहुत सारे इसको इसको याद रखने का बहुत ही इजी इजी तरीका है, बट आई शेयर वन ऑफ द इजिएस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, जो आप ध्यान रख सकते हो, और उस तरीके का नाम है इजोटी, ठीक है। इजोटी क्या है? इजोटी एक ऐसा मेथड है जिसके साथ आप याद रख सकते हो। तो ई का नंबर 5 होता है, जे का नंबर 10 होता है, ओ का नंबर 15, जे टी का नंबर 20 एंड वाई का नंबर जो है वो 25 होता है। तो ये 5 के मल्टीपल्स पे हमारा जो लेटर्स है उसको आप लिख लेना। अब जो भी सारे बाकी लेटर्स है वो इसके आसपास ही होंगे। अब आपको अगर मैं बोलता हूँ एल, एल का नंबर क्या है बताओ, तो आपको पता है कि ABCDEFGHIJKL, J के दो वर्ड बाद, दो लेटर बाद ही L आता है। तो अगर J का 10 है तो L का 12 होगा, L का देखो यहाँ 12 है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे O पूछा जा रहा है, ठीक है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आपको P पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि O के बाद ही P आता है, राइट, MNOP, करेक्ट। तो O के बाद क्योंकि P आता है तो P का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो P का 16 है। अगर मान के चलो आपको U पूछा जा रहा है तो UVWXYZ, राइट, तो UVWXY Y के जस्ट 4 पीछे, राइट। तो अगर हम लोग Y के 4 पीछे करेंगे तो Y का 25 इजोटी से पता चल जाए, तो 25 से 4 माइनस कर दो 21, तो U का 21 हो जाएगा, देखो U का 21। तो इसी तरीके से आप हर एक नंबर्स का याद कर सकते हो, एंड दिस मेथड माइट हेल्प यू टू रिमेंबर द नंबर्स कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी अल्फाबेट्स इन द टोटल अल्फाबेटिकल सीरीज, राइट। तो अगर ये चीज आपका याद हो जाता है ना, तो मोस्टली आपका क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड वो आपका बन जाता है। ओके, सो राइट नाउ व्हाट वी विल डू इज, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल पार्ट एंड द रिमेंबरिंग पार्ट। तो यही चीज आपको मेनली रिमेंबर करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू कोडिंग एंड डिकोडिंग। Now we can move on towards the question part and we can solve some questions so that we can understand the application of this, right? तो सबसे पहला question हमारे पास ये है। तो coding और decoding में अगर हम लोग question का type देखेंगे तो ये कैसा type of question है? आपको एक word दिया रहेगा और उसके साथ कुछ numbers का connection दिया है यहाँ पे, and you have to basically understand what is the code that is being used over here। अब code में किसी भी तरीके का pattern हो सकता है जो कि ऑब्वियसली वो अल्फाबेट नंबर्स के साथ ही एक तरीके से कनेक्टेड होगा, तो दैट यू हैव टू फिगर आउट कि उसका क्या कोड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एडुकेशन एक वर्ड है, राइट, एडुकेशन एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, और उसका कोड अपने को दिया गया है 5421312091514। ये अपने को क्या दिया गया है, दिस इज द कोड दैट्स बीन प्रोवाइडेड टू अस। नाउ बेस्ड ऑन दिस वर्ड हाउ टू अंडरस्टैंड कि कोड इसका किस तरीके से रिलेटेड है। नाउ ई का हम लोगों को पता है अल्फाबेटिकल नंबर 5 होता है, डी का अपने को पता है 4 होता है, यू का अपने को पता होना चाहिए कि 21 होता है, कैसे, वाई का अपना 25 होता है, तो 25 से 4 माइनस करो तो वाई वी जनरली क्या होता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, राइट, तो 4 पीछे आता है तभी यू का नंबर आता है, तो 25 माइनस 4 21, तो इस तरीके से 21। सी आपको पता ही है एबीसी 3, ए का आपको पता ही है 1 होगा, टी का क्या होगा, ई जो टी, राइट, ई जो टी अगर आप लिखोगे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ई जो टी अगर आप लिख रहे हो तो टी क्या है, टी आपका 20 है, 25 है,
ओ आपका 15 है, जे आपका 10 है और ई आपका 5 है, तो टी कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 20। दैट इज वाई द इजोटी मेथड इज वेरी वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट अगर आप आई का जानना चाहते हैं, कैसे जानेंगे, तो जे आपका 10 है, ठीक है, जनरली क्या होता है, एबीसीडी एफ जी एच आई जे, आई के बाद जे आता है, तो जे अगर 10 है, आई क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ओ क्या होगा, इजोटी 15, करेक्ट। एन क्या होगा, आपको पता है एम एन ओ होता है, राइट, एम एन ओ पी होता है, तो ओ अगर 15 है तो एन 14 हो जाएगा, तो एन यहाँ पे 14 हो गया। अब आप देखो इस नंबर का और इस नंबर का कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल बराबर है, मतलब यहाँ पे सिमिलरली दिया गया है, एडुकेशन को ही एक तरीके से तोड़ के यहाँ पे लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो अल्फाबेटिकल नंबर्स वहां पे दिया गया। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज कैट रिटन, तो कैट को आप किस तरीके से लिखोगे, सिमिलर पैटर्न में अगर हम लोग कोड को कंसिडर करेंगे तो कैट का क्या हो जाना चाहिए, सबसे पहले सी को कंसिडर करेंगे अपन, सी को कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए को अगर हम कंसिडर करेंगे तो 1 हो जाएगा, टी का क्या होगा, जो टी का 20 होगा, 3 2 0 हो जाएगा, तो इन सबको अगर कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो ये नंबर 3 1 2 0 हो जाएगा। हेंस द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 3 1 2 0। सो द कोड ऑफ कैट अकॉर्डिंग टू द कोड दैट्स गिवन ओवर हियर बेस्ड ऑन एजुकेशन इज 3 1 2 0, करेक्ट। तो इसी तरीके से मेनली आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं घुमा फिरा के, बट अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो कॉन्सेप्ट यही होने वाला है, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली टू ऑल द कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस दैट माइट बी पॉसिबली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, करेक्ट। तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू सी कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट इन अ कोड लैंग्वेज क्वीन इज रिटन एज ओ वी सी एफ एल देन किंग इज रिटन एज वॉट, तो आपको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वीन, क्वीन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये वर्ड दिया गया आपको, करेक्ट, क्वीन इज रिटन एज क्या दिया गया है, ओ वी सी एफ एल, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसको डिकोड करेंगे, तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं मैं हमेशा बोलता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बस दो वर्ड लिख लो अपने पेपर में जो कि आप पेपर एग्जामिनेशन में यूज कर रहे हो, और उसी पेपर में जो भी वर्ड्स दिए गए ना उसका नंबर्स बस साइड में लिख दो। तो क्यू का नंबर क्या होता है भाई, क्यू का 17 होता है, यू का नंबर 21 होता है, ई का नंबर 5 होता है, ई का 5 होगा, एन का 14 होगा। देखो मैं जैसे लेटर को देख के नंबर तुरंत लिख दे रहा हूँ ना, यू शुड बी दैट मच वर्स्ट विद द नंबर्स। अब क्यू का मैं 17 कैसे लिखा भाई, इजो टी का आपको ओ पता है कि 15 होता है, ओ के बाद पी आता है, उसके बाद क्यू आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 17 हो जाएगा, तो दैट इज हाउ वी यूज द मेथड ऑफ इजोटी एफिशिएंटली, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इसका कोड लिख दिया, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हाउ दिस इज बीन डिकोडेड इनटू दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या नंबर है। तो ओ का नंबर क्या है भाई, ओ का नंबर 15 है, वी का नंबर क्या है, अब वी का नंबर कैसे निकालोगे, देखो वाई का नंबर अपने को पता है 25 है, अब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई होता है, तो 25 से 3 नीचे होगा वी का नंबर, तो 25 से 3 अगर आप माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, 22 हो गया। अब देखो सी यहाँ पे दिया है, सी का नंबर 3 होता है, एफ हम लोग को पता है 6 होता है, एल अगर आप देखोगे एल का नंबर क्या होगा भाई, एल एम एन ओ होता है, ओ का नंबर 15 है, तो इससे 3 माइनस करो तो एल आ जाएगा आपका 12, राइट, तो यहाँ 12 लिख दिया मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो क्यू यहाँ पे 15 है, सॉरी क्यू इधर 17 है और इधर 15 आया, इधर 21 आया, इधर 22 आया, इधर 5 आया, इधर 3 आया, इधर देखो फिर 5 आया, इधर 6 आया, इधर 14 आया, इधर 12 आया, तो ये बेसिकली किस हिसाब से कोड हो रहा है। तो देखो फर्स्ट वाला जो नंबर है ना उसमें -2 हुआ है पोजिशनली, सेकेंड वाला नंबर देखो +1 हुआ है पोजिशनली, 21 से 22 है, थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे -2 हुआ है पोजिशनली, यहाँ पे देखो फिर वापस +1 हुआ है पोजिशनली, यहाँ पे क्या हुआ है 14, देखो -2 हुआ है पोजिशनली। तो हर ऑल्टरनेट नंबर्स पे, तो हमारा मेन क्या डिकोडिंग हो रहा है, हर ऑल्टरनेट नंबर्स ऑफ पोजिशन पे, ठीक है, क्या हो रहा है, -2 +1, -2 +1 पोजिशनली, ठीक है, फिर -2 फिर +1,
और यूं ही चलते रह रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा ऑल्टरनेट नंबर्स ऑफ पोजीशन हो गया। तो अब हमारे को क्या करना है, किंग का बेसिकली हमको अंडरस्टैंड करना है कि किंग का क्या होने वाला है। तो किंग का पहला वाला जो लेटर है उसमें क्या होने वाला है, -2 होने वाला है। सेकेंड वाले लेटर में -+1 होने वाला है। थर्ड वाले लेटर में -2 होने वाला है। और फोर्थ वाले लेटर में +1 होने वाला है। तो अब के का क्या होता है नंबर भाई, के एल एम एन ओ पी होता है। तो ओ जो है 15 है, तो अगर के तक जाना है तो के एल के आगे है, एल 12 है, तो के क्या हो जाएगा भाई, के हो जाएगा 11। आई क्या हो जाएगा, आई हो जाता है 9। एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 14। जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा 7। जी को 7 कैसे मार्क कर रहा हूं, अब आपको पता है कि ई होता है 5, ई एफ जी होता है, G7 ही होएगा ना भाई, 2 आगे जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स है। अब देखो 11 -2 करो क्या होगा, 9 होगा। 9 + 1 करो क्या होगा, 10 होगा, राइट। तो इसको सर्कुलर रखते हैं। एन यहाँ पे 14 - 2 करो क्या होगा, 12 होगा। एंड 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 होगा। अब इनका कोरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स अपने को लिखना है। आई का 9 का आई होता है, 10 का क्या होता है भाई, जे होता है, इज और टी का जे, राइट। उसके बाद 12 एल होता है, 8 क्या होता है भाई अपना, 8 होता है एच। ठीक है, क्योंकि जी 7 है, जी के बाद ही एच आता है, तो एच 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फॉर किंग, व्हाट इज द कोड, आई जे एल एच इज द कोड फॉर किंग। तो इसी तरीके से हम लोगों को मेनली डीकोड करना है और फाइनली आंसर को लाना है। आई होप ये चीज आप क्लियरली समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम लोग ये चीज को डीकोड कर रहे हैं, राइट, गॉट इट। तो ये तरीके का आपका टाइप हो सकता है, आप समझ सकते हो किसी भी तरीके का टाइप इस पे बन सकता है। तो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ टाइप्स दैट कैन बी पॉसिबली फॉर्म बेस्ड ऑन दैट वन कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन आ गया, इसको आप सबसे पहले अपने हिसाब से ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है डोर है, डोर को कैसे कोड किया गया, 25 लिखा गया है। लोअर है, लोअर को कैसे कोड किया गया है भाई, 37। ठीक है, टावर है, टावर को कैसे कोड किया है गए, 18। अब बेसिकली हम लोगों को समझना है कि किस तरीके से इसको कोड किया जा रहा है, करेक्ट। तो जब भी ऐसे नंबर्स के साथ आपको रिलेशन दिख रहा है, आपको हर एक लेटर के पीछे नंबर लिख के समझना पड़ेगा कि कैसे वो डिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंट तरीके का पैटर्न बन सकता है, जिसका हो सकता है कोई लॉजिक डायरेक्टली ना ही हो, बट आपको वो लॉजिक को समझना पड़ेगा। तो वो हो सकता है कोई वियर्ड लॉजिक हो, बट वही चीज आपको मेनली डिकोड करना रहता है। दैट इज व्हाट यू आर आस्क्ड ऑफ टू फाइंड आउट। तो डोर में डी 4 होता है, ओ क्या होता है भाई, ओ होता है 15, यहाँ पे भी 15 हो जाएगा, है ना। आर क्या होता है भाई, आर होता है 18। ठीक है, आर का नंबर 18 होता है। तो ये नंबर्स आपको याद रखने जरूरी है इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विक, ठीक है, पीरियड। ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। उसके बाद एल यहाँ पे 12, O का क्या होता है 15, W का क्या होता है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे U V W, U 21 होता है तो W 23 हो जाएगा, और X Y भी अगर आप करोगे तो Y 25 होता है तो W 23 हो जाएगा, इधर 23 लिख दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे E, E को क्या लिखा जाता है, 5 लिखा जाएगा, और R को अगेन 18। सिमिलरली टावर का भी ये 18 हो जाएगा, E का अगर आप देखोगे 5 हो जाएगा, W का 23 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे अपन, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन ढूंढेंगे, कैसे हो सकता है एक बार ऐड करके देखते हैं। अगर आप इन सारे लेटर्स का नंबर्स को ऐड करोगे ना, तो इधर क्या आ रहा है भाई, 15 + 15 आ जा रहा है आपका 30, 30 + यहाँ पे 18 + 4 22, तो ये आ जा रहा है आपका 52। ठीक है, सिमिलरली इनको आप ऐड करो, क्या आ रहा है, 18 + 12 30, 30 + 5 हो जा रहा है 35, 35 + 15 हो जा रहा है आपका 50, 50 35 + 50 ये आ जा रहा है, फिर आपका 23 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 73 आ जा रहा है, 50 + 23 73। यहाँ पे देखो 20 + 23 43, 43 + 15, 43 + 15 + 5 20, मतलब 43 + 20 हो जा रहा है 63, राइट। 63 + 18 अगर आप करोगे तो क्या हो जा रहा है, 81, तो इधर आ जा रहा है 81। तो अगर आप इस नंबर के साथ इस नंबर को एक बार कंपेयर करोगे तो आप देखो बस नंबर को रिवर्स किया गया है, राइट। तो ओवर का हम लोगों को कोड करना है, राइट। तो कैसे कोड करेंगे, ओवर लिख दो भाई यहाँ पे,
है ना। ये ओवर को लिखने के बाद अपन ओ के पीछे 15 हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा भाई, वी का हो जाएगा 22, ई का हो जाएगा 5, आर का हो जाएगा 18। ऐड करो भाई इन सबको, 15 5 कितना होता है, 15 5 हो जा रहा है आपका 20, 22 और 18 कितना हो रहा है, 22 और 18 हो जा रहा है आपका 40, 20 और 40 मिला दोगे तो आपका हो जाएगा 60, राइट। अब 60 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 06, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। आई होप आप समझ रहे हो कि किस तरीके से ये कोडिंग डिकोडिंग हो रहा है। कोई भी लॉजिक यूज हो सकता है बट अंडरलाइन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और जनरली एग्जामिनेशन में इसी टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो और मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का आप एक तरीके से जवाब देने की कोशिश करो, ठीक है। सो द क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग फॉर यू इज, व्हाट विल बी द कोड ऑफ रीगल, ठीक है, रीगल का क्या कोड होगा वो आप बताओ। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये चीज आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन है पूरा, राइट। इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझने की कोशिश किए हो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रॉयल मोनार्क रीगल इज रिटन एज एट द रेट हैशटैग और स्टार। सिमिलरली यहाँ पे भी तीन वर्ड का दिया हुआ है। तो आपको मेनली इसमें करना क्या है कि जो भी सारे वर्ड्स का कोड दिया गया है, देखो कुछ कुछ वर्ड दूसरे दूसरे सेंटेंसेस में भी रिपीटेड हुए हैं, तो इसमें आपको मेनली वो पैटर्न ढूंढना है और आपको एलिमिनेशन करके, तो यहाँ पे मेनली एलिमिनेशन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, एलिमिनेशन ढूंढना पड़ता है या फिर आपको रेपिटेशन देखना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि वो चीज क्या है। तो यहाँ पे रीगल का कोड पूछा गया है, रीगल कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो अब जो इन दोनों जगह पे प्रेजेंट है तो क्या इन दोनों पे और कोई चीज रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है, बस रीगल ही रिपीट हुआ है। तो कोड भी इन तीनों में से यही दोनों जगह पे रिपीट होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कोड है जो रिपीट है, देखो स्टार रिपीट हुआ है। तो रेपिटेशन कहाँ पे हो रहा है चेक अगर करोगे तो स्टार रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर यहाँ स्टार। सिमिलरली आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट मान के चलो व्हाट विल बी द कोड फॉर गोल्ड लीगसी, मान के चलो ये दोनों वर्ड का मिला के क्या कोड होने वाला है, तो गोल्ड और लीगसी का मिला के क्या कोड होने वाला है अगर आप देखोगे। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये दोनों वर्ड ढूंढना है इन द गिवन सेंटेंसेस। देखो गोल्ड यहाँ पे है, गोल्ड यहाँ पे है, राइट। इन दोनों में और कुछ भी रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है। देखो रीगल लिगेसी इधर होप लाइफ, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा चीज रिपीट हुआ है देखते हैं। देखो स्टार नहीं रिपीट हुआ है, परसेंटेज इन दोनों में रिपीट हुआ है, तो गोल्ड का बेसिकली क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, करेक्ट। अब लिगेसी का अपन ढूंढते हैं, लिगेसी कहाँ है, इधर लिगेसी है, करेक्ट। अब लिगेसी देखो इधर है, तो अब लीगसी दूसरे जगह और कहीं भी है क्या, देखो और कहीं नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसा कोड देखना पड़ेगा इन तीन में से जो और कहीं नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन मार्क जो है इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या किए, एलिमिनेट एलिमिनेशन का मेथड यूज किए कि क्या ये वाला और कहीं पे भी है, तो एलिमिनेट दिस वन, बेसिकली वो चीज कहाँ कहाँ एलिमिनेटेड है, ठीक है। तो वो चीज अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे और कहीं है, hence the code for goal legacy is going to be percent question। तो यहाँ पे बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान के चलो आपको पूछा गया कि which word is coded as hashtag, तो आप बताओ कि कौन सा वर्ड जो है ये हैशटैग वाले से रिलेटेड मैप्ड वर्ड कौन सा है। तो हैशटैग यहाँ है और हैशटैग यहाँ है, तो यहाँ दोनों जगह रिपीट हो रहा है। तो अब देखना है कि इसमें और इसमें क्या चीज रिपीट हो रहा है। देखो रीगल रीगल रिपीट हो रहा है और दूसरा चीज मोनार्क मोनार्क रिपीट हो रहा है, बट हम लोगों ने निकाल लिया कि रीगल का तो स्टार है, करेक्ट। तो यहाँ पे स्टार को हटा देंगे तो स्टार नहीं होने वाला, करेक्ट। तो दूसरा क्या है जो रिपीट हो रहा है, वो मोनार्क ही है जो रिपीट हो रहा है, हेंस हैशटैग का क्या हो जाएगा, कोड वर्ड मोनार्क हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड आपको अकॉर्डिंगली उसका आंसर देना पड़ता है।
तो आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गया। सो दैट इज हाउ मोस्टली द क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग वुड बी। इसमें कोई भी आपको लग रहा है कि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें बस आपको वर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल यू रिक्वायर इज अटेंशन टू डिटेल, ताकि डिटेलिंग में कोई गलती ना हो जाए, फिर आपका शायद गड़बड़ हो सकता है आंसर में, सिली मिस्टेक्स कर सकते हो, बट जनरली क्वेश्चंस आप आसानी से इनका सॉल्व कर लो। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग और भी कुछ वीडियोस निकालेंगे जहां पे हम लोग थोड़े से डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अपन बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा इजी रखें, बिकॉज अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर मैं आपको समझाता तो शायद आपको इस वीडियो को देखने में इंटरेस्ट नहीं आता। सो फॉर नाउ दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।